दोस्तों, अगर आप भी अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी पहले टेस्ट मैच में देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय बल्लेबाजी से जीता जडेजा और अश्विन ने सबका दिल, तो दुनिया भर के दिग्गज अख्तर अफरीदी, सचिन सहवाग से लेकर धोनी तक ने जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिर क्या बोले दुनिया भर के दिग्गज, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश की टीम के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। अब दोस्तों, भारत की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। हालांकि यहां पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका मात्र 14 रन के कुल स्कोर पर लग गया था, जब रोहित 6 रन बनाकर हसन महमूद के अंदर आती हुई गेंद पर नजमुल हुसैन शांटू को स्लिप में कैच थमा बैठे। अब दोस्तों, एक विकेट गिर जाने के बाद भारत ने शुभमन गिल का विकेट भी जल्दी खो दिया और 0 रन पर वो भी आउट हुए, तो विराट कोहली भी मात्र 6 रन बना पाए। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच छोटी साझेदारी भले हुई, लेकिन यहाँ पर पंत भी 39 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 56 और केएल राहुल ने 16 रन की पारी खेली। अब यहाँ पर टीम इंडिया ने 6 बड़े विकेट अपने 144 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। भारत की टीम बहुत दबाव में आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों, जडेजा और अश्विन ने इस दबाव को कम करने का काम किया। दरअसल हुआ ये कि अश्विन ने आज पहले दिन का मैच समाप्त होने तक 112 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 102 रन बनाए, तो वहीं जडेजा ने 117 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 86 रन की पारी खेली। और अभी भी दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए हैं, जहां इस बीच भारत की टीम ने 80 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन बनाकर बांग्लादेश को चुनौती दी है। अब दोस्तों, यहां पर आज अगर भारत की टीम इस मुकाम पर आ खड़ी हुई है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जडेजा और अश्विन का रहा है, क्योंकि दोस्तों, यह दोनों बल्लेबाज अगर मैदान पर अच्छी साझेदारी ना करते तो शायद टीम इंडिया यहां तक पहुंच भी नहीं पाती। तो दोस्तों, अब दुनिया भर के दिग्गजों ने खूब तारीफ करते हुए सभी का दिल जीत लिया। यहां पर पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वह शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि भारत की टीम 144 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी और जडेजा अश्विन ने जिस तरह से वापसी अपनी टीम की करवाई है वो किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। आखिरकार भारत की टीम इसीलिए महान टीमों में गिनी जाती है। तो वहीं बात करें अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा, जडेजा और अश्विन की बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में सालों तक याद रखी जाएगी, वो भी उस वक्त जब 144 पर आपके 6 विकेट गिर जाए। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो ऐसा कारनामा कर सके। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि अश्विन और जडेजा ने आज सचमुच दिल जीत लिया। मुझे तो लग रहा था कि आज हमारी टीम 200 के पार भी नहीं जाएगी, लेकिन 300 रन हमारी टीम का स्कोर कार्ड पर देखकर काफी खुशी हो रही है। मैं तो आज यही सोच रहा था कि जडेजा और अश्विन बस थोड़ी भी साझेदारी कर लें तो काफी सही रहेगा हमारी टीम के लिए, लेकिन ये साझेदारी तो अब दोहरे शतक के लिए आगे बढ़ रही है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने कहा, अश्विन और जडेजा पर हमें गर्व है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी जो बल्लेबाजी की उन पर भी हमें नाज है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी टीम के जब 6 बड़े विकेट गिरे थे तो पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि हम बांग्लादेश के आगे बस 200 रन से पहले ही सिमट जाएंगे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने इस बात को बिल्कुल गलत प्रूफ कर दिया। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा, यशस्वी जायसवाल ने आज उस वक्त पारी को संभाला था जब पूरी टीम अपने विकेट खोती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जब जडेजा और अश्विन आए ये तो सचमुच मुझे भी नहीं लग रहा था कि आज हम 200 के पार जाएंगे, लेकिन जब ये बल्लेबाजी करने लग गए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 500 के पार ये स्कोर जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, सभी दिग्गजों ने जमकर तारीफ भारतीय खिलाड़ियों की। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो, दिग्गजों ने जो कहा वो सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।